सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पितृयज्ञ का हम व्याख्यान कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस जीवन को देने वाले इस जगत में हमको कुछ अच्छा करने का सामर्थ्य प्रदान करने वाले माता पिता गुरु आचार्य और भी धीर गंभीर विद्वानों का सानिध्य पाकर के बड़े हमारे वृद्ध वयोवृद्ध जान वृद्ध लोगों के जान से हम परिपक्वता को प्राप्त होने वाले उनके लिए हम क्या करें। श्रद्धा के साथ उनको हर प्रकार से अपने स्वभाव से गुणकर्म से कृतित्व और व्यक्तित्व से उनको हम संतुष्ट करें, उनकी जो सात्विक इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए अपना सर्वस्व निछावर भी करना पड़े तो करने में कभी भी हम पीछे ना हटें, ऐसा यज्ञ कर्म हम करते रहें। और जो पितृयज्ञ है, पितृ सेवा है, उनकी सेवा शुश्रूषा, उनका आहार वस्त्र अन्न जल जो भी देना हमको उचित है उसको हम दे करके बहुत कुछ पा सकते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने चर्चा थोड़ी सी की थी कि कुछ लोगों के मन में आता है कि इनका काम था हमको जन्म देना, जन्म दे दिया, बड़ा कर दिया, इनका कर्तव्य था, हमारा कर्तव्य इनको दो वक्त की रोटी दे दे, बस क्या लेना देना। बहुत ऐसी विडंबनाएं हैं कि इनसे अब बूढ़े बुजुर्गों से क्या लेना देना, ये तो रिटायर्ड हो गए, अब इनको जो है अपने क्यों रिटायर्ड इसलिए हो गए कि किसी काम के नहीं रहे, अब तो वृद्ध शरीर है, अब तो जितनी जल्दी ये विदा हो जाए उतना ही सुकून है अपने को। ऐसी जो विचार, ऐसे जो सोच रखते हैं, जो कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, वो पितृयज्ञ कभी कर नहीं सकते, वो कभी पितरों को प्रसन्न नहीं कर सकते, कभी तृप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मन में उनके प्रति श्रद्धा ही नहीं है। वो कुछ सलाह देते हैं, कुछ परिपक्वता की बात करते हैं, कुछ नेक परामर्श देते हैं तो भी बात बुरी लगती है, क्यों? अब वो अपने नए खून नए जोश में है तो बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानते और वो अपने जीवन को धोखा देते रहते हैं, कष्ट में जीते हैं लेकिन बड़ों की बात स्वीकार नहीं करते। जो ऐसे संस्कारों से अपने जीवन को जीते हैं वो निश्चित रूप से पितृयज्ञ का जो सात्विक भाव है, जो बहुत ही दिव्य भाव है, उससे वंचित रह जाते हैं। भोजपुरी एक भाषा है तो किसी कवि ने लिखा, खासकर 21वीं सदी, क्योंकि वो समय तो अलग था, रामकृष्ण का समय अलग था, यद्यपि अभी भी ऐसे संतानें ऐसे पुत्र पुत्रियां हैं जो अपने माता पिता से विरुद्ध कभी जाते नहीं। तो उसमें एक बात आई, आज बहली विचित्र हवा 21वीं सदी का द्वार खुलावा, कि लड़कन के मिजाज भइल एडवांस, हमरे का चुप रहिबे में भला। एक माता पिता जो बुजुर्ग है, मैं ज्यादा आता नहीं, कहीं त्रुटि हो जाए तो उसको आप समझ लेना, वो क्यों बात मानते नहीं,
जो मन में मर्जी जो आती वो करते हैं। इसलिए वो बड़े बुजुर्ग चर्चा कर रहे हैं आपस में कि हमको चुप रहने में हमारी भलाई है, नहीं तो इन कहीं जो है बाहर ही कर दें, वृद्धाश्रम में छोड़ के चले आएंगे, इसलिए शांत रहो, जो हो रहा होने दो। क्यों? क्यों डांटते हैं, तुम चुपचाप बैठो, हमारे काम में दखलंदाजी मत करो, हमको जो करना करने दो। जब देखो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अच्छा, कुछ बुजुर्गों का स्वभाव भी होता है, ये भी एक सत्यता है। वो तो जो धीर गंभीर विवेकी है वो जितना आवश्यक उतना बोलते हैं। तो चर्चा कर रहे हैं कि आज अब तो 21वीं सदी लग गई है, अब तो अपने आप को शांत रखना पड़ेगा, वो श्रवण का जमाना चला गया। माता पिता का जो भक्त था श्रवण, वो जमाना चला गया, अब तो शांत रहो। आज बहली विचित्र हवा, 21वीं सदी का द्वार खुलावा, कि लड़कन के मिजाज भइल एडवांस, हमरे का चुप रहिबे में भला। अब तो बाबूजी की बात ना सुहाइला, कहला के तीत लागेला। अब तो बाबूजी की बात अच्छी नहीं लगती, और जिस बाबूजी की गोदी में पला बढ़ा खेला, जिसकी उंगली पकड़ करके चला, अब उसकी बात अच्छी नहीं लगती। शास्त्रीय उदाहरण भी दूंगा। अब तो बाबूजी की बात ना सुहाइला, कहला के तीत लागेला, कहला के तीत लागेला, कहला प्रतीत लागेला, अब तो गली गली बाटे यही हाला, कहला के तीत लागेला। अब गली गली में यही चल रहा है। अगर माता पिता थोड़ा सा डांट दे तो धमकी बच्चे देते हैं, हम घर से भाग जाएंगे, हम सुसाइड कर लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे। ये इतनी विकृत मानसिकता हो गई है बच्चों की कि माता पिता डरते हैं कि मेरे से यदि कुछ हो, कुछ ऐसी बात निकल जाए तो ये कुछ कर सकता है। क्यों? ऐसे संस्कारों को दिया नहीं गया। वैदिक जीवन पद्धति का कभी जीवन में उन्होंने आत्मसात उसको किया नहीं, जीने का प्रयास नहीं किया है, और ऐसा खूब होता है, खूब होता है। तो ये संकेत भर्तरी ने भी कहा कि वृद्ध काल में कोई साथ नहीं देता है। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टाचदन्तावलिर् दृष्टिर्नश्यते वर्धते बधिरता वक्त्रं चलालायते वाक्यं नाद्रियते च बांधव जनो भार्या न शुश्रूषते हा कष्टं पुरुषस्य जीर्ण वयसा पुत्रोऽप्यमित्रायते पुत्रोऽप्यमित्रायते। ये जो वृद्धापन है इसमें ऐसा होता ही है। वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके वृद्धपन आने पर उनके पुत्र और पुत्रियां उनकी खूब सेवा करते हैं, उनके एक एक आदेश निर्देश पर सर्वस्व निछावर कर देते हैं। वो सौभाग्यशाली माता पिता हैं, और वे पुत्र पुत्रियां भी सौभाग्यशाली हैं कि वो अच्छी प्रकार से अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों का तर्पण और श्राद्ध कर रहे हैं, ये पितृ यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए हमको विचार करना चाहिए कि हम कहां जी रहे हैं। 21वीं सदी हो चाहे 22वीं सदी हो, सदियां आएंगी जाएंगी, लेकिन ये माता पिता गुरु आचार्य ये परंपरा कभी नहीं जाएगी। जब तक संसार है तब तक ये संबंध रहेंगे, इन संबंधों से कोई मुकर नहीं सकता, इन संबंधों में हमको बंध करके ही रहना पड़ेगा। इसलिए
इस कर्तव्य को हमको जानना चाहिए और पितृ यज्ञ क्या है इसके मर्म को, इसके तथ्य और सत्य को जान करके अपनाना चाहिए। इसलिए आचार्य शंकर भी कहते यावत वित्तोपार्जन सकता तावन निज परिवारो रखता पश्चात जाते जर जर देहे वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे यावत बालस क्रीडा सकता तावत बालस क्रीडा सकता यावत तरुणस्तरुणी रक्ता वृद्धस्तावत चिंता मग्ना परमे ब्रह्मणि कोपि न लग्ना। जीवन को जीने का हम प्रयास करें और सच्चा जीवन जीने का जो ढंग है उस वैदिक परंपरा से हमको मिलेगा। यदि अपने जीवन में सुख और शांति चाहते, अपने घर परिवार समाज राष्ट्र में शांति चाहते हैं तो पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, सच्ची श्रद्धा के साथ। अस्तु, तो पिछली कक्षा में एक श्लोक की हमने चर्चा की थी और वह ब्रह्मांड पुराण का श्लोक था कि पितृयज्ञ पितृ सेवा से क्या हमको मिलेगा, क्योंकि बिना फल की आशा से कोई काम करता नहीं है, फल चाहिए सबको, तो फल भी मिलेगा। क्या है, कहा कि प्रजाम पुष्टिम स्मृतिम मेधाम राज्यम आरोग्यम एव च प्रीता नित्यम प्रयच्छन्ति मानुषाणाम पितामहः। बहुत सुंदर बात कही। क्या कही कि प्रजाम पुष्टिम स्मृतिम मेधाम, जो पितर लोगों की सेवा करते हैं, जो माता पिता गुरु आचार्य और अपने परिवारिक जनों की सेवा करते हैं, जो वृद्धों की सेवा करते हैं, तो वो पितर लोग प्रसन्न होने पर मानव को संतान देते हैं, मानव को स्मृति देते हैं, मानव को बुद्धि देते हैं, मानव की पुष्टि की व्यवस्था करते हैं, उसको पुष्टि प्रदान करते हैं, राज्य तथा स्वाध्याय प्रदान करते हैं, उसको संतति देते हैं। का तात्पर्य क्या है, उसको विस्तार देते हैं, उसकी जो संतानें हैं या वो भी जिसकी संतान है उसको सुव्यवस्थित करते हैं, सुसज्जित करते हैं। इसलिए संतानों को देने वाला है, मेधा को देने वाले हैं वो, और स्मृति कह रहे हैं कि वह सभा नहीं है जहां पर वृद्ध ना हो। महाभारत में भी आया ना सा सभा यत ना भवंति वृद्धा, वहां जहां वृद्ध नहीं है, जहां पर बड़े नहीं है, वो सभा नहीं होती, वो फिर अनुशासन लोग भंग कर देते हैं और फिर बहुत उल्टा पुल्टा होता है। इसलिए अपने जीवन को यदि हम जीना चाहते हैं तो बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही अच्छा जीने का प्रयास करें। माता पिता का प्रतिरूप होता है पुत्र या पुत्री, उसी की प्रतिकृति होती है, प्रतिरूप होता है, और फिर गुरु के सानिध्य में जाकर के वो अपने जीवन को अच्छा बनाता है। ऐसी संतानें जो अपने गौरव को भूल जाती हैं, जो अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाती हैं, वो क्या सेवा करेंगी माता पिता की, क्या सेवा करेंगे बड़े बुजुर्गों की, उनको अपने ऐसो आराम से ही नहीं फुर्सत होती है। इस संदर्भ में ये कि सुसंतान होनी चाहिए, माता पिता और बड़ों का कुल वंश का नाम प्रकाशित करने वाली संतान होनी चाहिए, और ऐसी यदि संतान नहीं है तो ऐसी संतान का होना ना होना बराबर है। ऐसी संतान यदि नहीं है गुणकर्म स्वभाव वाली तो संतान हो ही नहीं। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को मैं जब स्नातक आधुनिक पढ़ाई पढ़ रहा था, स्नातक कर रहा था, तब हमारे संस्कृत के जो आचार्य थे उन्होंने इसको पढ़ाया और ये बात बिल्कुल मेरे मन में घर कर गई।
आज तक इस श्लोक को मैं भूल नहीं पाया और इतना यह प्रभावित करता है कि वास्तव में यदि इसको भी सुन करके हमारे अंदर हलन चलन न हो तो फिर हम हृदय से पत्थर हैं। बहुत बड़ी बात कही है, आपके समक्ष मैं इसको रखता हूं। गुण रत्नम एक ग्रंथ है और हितोपदेश में भी यह श्लोक मिलता है। कह रहे हैं कि वरम गर्भो श्रावो, वरम गर्भस्रावो, वरम गर्भस्रावो वरम अपिचा नैवाभिगमनम्। वरम वरम गर्भस्रावो वरम अपि च नैवाभिगमनम्। नैवाभिगमनम्। वरम जाता प्रेतो वरम जाता प्रेतो वरम अपिचा कन्याभिजनन जननम्। वरमपि च कन्याभि जननम्। कन्या भी जननम्। वरम वंध्या भार्या, वरम वंध्या भार्या वरम अपि च गर्भेषु वसति। वरम च गर्भेषु वसति, गर्भेषु वसति च न च विद्वान्, न च विद्वान्, न च विद्वान् रूप द्रविण गुण युक्तो पितनयः। रूप रूप द्रविड द्रविड
गुण, युक्तोपि तनया। उच्चारण करेंगे एक बार, वरम गर्भस्रावो वरमपि च नैवाभिगमनम्, वरम जाता प्रेतो वरमपि च कन्याभिजननम्, वरम वन्ध्या भार्या वरम च गर्भेषु वसति, न च विद्वान् रूपात् द्रविड गुणयुक्तोऽपि तनयः, बहुत ही सुंदर भाव इस श्लोक के हैं, बहुत अपने आप को झकझोर देने वाली बात इसमें कही है कि ऐसी संतान जो अपने को बहुत अहंकारी समझते हैं कि हम तो पुत्र हैं और अपने जीवन को जीना जानते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी ये बात है कि वरम गर्भस्रावो, गर्भ गिर जाना अधिक अच्छा है मूर्ख अविद्वान संतान की अपेक्षा, जो अपने कुल वंश का नाम नहीं रोशन कर सकता, अपने पुरुषार्थ से, अपने विवेक से, अपने सद्गुणों से जो भारती का मान नहीं बढ़ा सकता है, ऐसी संतान का होना ना होना बेकार है, गर्भ ठहरे नहीं, गर्भ गिर जाए वो अच्छा है। और दूसरी बात क्या है, ना नैव अभिगमनम, ऐसा भी हो सकता है कि पति के साथ संयोग ही ना हो, क्योंकि पति पत्नी का संयोग पुत्र या पुत्री को जन्म देना होता है, पूरे जीवन भर संयोग ना हो, पति पत्नी ना मिले, ये बहुत अच्छा है, लेकिन मूर्ख संतान होना अच्छा नहीं है। और अगली बात क्या कही, वरम जाता प्रेतो, चलो यदि बाय चांस यदि संयोग हो गया है और गर्भ में भी आ गया है, लेकिन गर्भ आए तो वरम जन्म भी ले ले, तो जन्म लेते ही ऐसी संतान मर जाए, ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो कुल को कलंकित करने वाला हो, जन्म लेते ही वो मर जाए, वरम जाता प्रीतो वरम अपिचा कन्याभिजननम, ये हो सकता है कन्या हो जाए अच्छी बात है, क्यों, कनी दीप्तौ, कन्या होगी तो अपने सेवा से, अपने स्वभाव से अपने परिवार को, इस घर को और दूसरे के घर को भी प्रकाशित करती है, वो जनिता है, वो परमात्मा जो कन्या तो विशेष, क्योंकि इसके मैं आगे और गुणगान गाऊंगा, अभी समय हो रहा है संक्षिप्त में इसकी चर्चा कर लेता हूं। तो कन्या का जन्म होना बहुत अच्छा है, कन्या दीप्त अपने स्वभाव से वो सबको प्रकाशित करती है, प्रभावित करती है, सेवा शुश्रूषा करती है। और अगली बात क्या कही, वरम वंध्या भार्या, पत्नी का बांझ होना ठीक है, वंध्या रह जाए लेकिन मूर्ख संतान को जन्म ना दे, ऐसी संतान नहीं चाहिए। और क्या कहा, वरम च गर्भेषु वसति, गर्भ ठहर गया है तो ये
यद्यपि संभव नहीं है, लेकिन कवि क्या और कथन है एक उदाहरण कि अगर गर्भ ठहर गया है तो आजीवन गर्भ ठहरा ही रहे, वो जन्म ना ले, पेट में ही आजीवन रहे, उसका धरती पर आना बिल्कुल हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। और रूप धन और गुण से युक्त होकर के भी अविद्वान मूर्ख पुत्र का होना अच्छा नहीं है। तो हम सुपुत्र बने, हम कुपुत्र ना बने, अपने जीवन को सर्वत्र प्रकाशित करने वाले बने, कलंकित करने वाले ना बने। यह चर्चा अभी तो आरंभ हुई है, आगे और चर्चा हम करेंगे कि हम सच्चे इंसान, सच्चे उस माता पिता, उस गुरु के, उस परम पिता परमेश्वर के सच्चे अनुयायी बने, तभी हमारा जीवन यज्ञ होगा। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।